अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू GNB मेट्रोलॉजी। या दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल एडसेंस लोडिंग मेथड के बारे में, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो ये सिंपली ये है कि गूगल एडसेंस में अपनी वेबसाइट पे जब एड्स आते हैं तो आपने सेल्फ क्लिक करनी होती है। उसको सेल्फ क्लिक करने का मेथड क्या है, इस कम्प्लीट वीडियो में आप जानेंगे, और इसमें टिप्स और ट्रिक्स क्या यूज़ करते हैं कि हम अवॉइड कर सकें कि हमारा अकाउंट जो है ना उड़ ना सके। जैसे कि लोग जो है ना VPN यूज़ करते हैं, प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं, लेकिन अकाउंट उड़ जाते हैं। बार बार शिकायतें आती हैं कि सर आप ट्रैफिक वगैरह कहाँ से लाते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, रशिया से 15 व्यूज़ आए हैं और पाकिस्तान से जो है ना वो 11 आए हैं, और उसके अलावा जो है ना सऊदी अरब से 8 व्यूज़ आए हैं। ये बिल्कुल जो है ना रियल ऑर्गेनिक व्यूज़ आए हैं, ठीक है। इसको मैंने, इस वेबसाइट को myseotools.com को मैंने अपनी कनेक्ट किया हुआ है फेसबुक पेज से। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया, वहाँ से मुझे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं लोडिंग भी करता हूँ। लोडिंग करने के लिए आप कौन सा VPN यूज़ करेंगे? पिछली बार हमने सर्फशार्क VPN यूज़ किया था, इस बार हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस VPN। अगर आपको VPN वगैरह कोई भी सर्विसेज चाहिए, प्रॉक्सी या VPN चाहिए, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आएगा, ठीक है। नहीं तो आप सोशल यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ पर आपको मेरा नंबर नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझे VPN जो है ना एक वीक की तकरीबन $3 की सब्सक्रिप्शन है, मतलब $3 में आप एक हफ़्ता चला सकते हैं। फिर जब आपका एक्सपायर हो जाए, आप दूसरा हफ्ते के लिए मुझसे ले सकते हैं। तो ये आपके सामने जो मैं शो करवा रहा हूँ, ये है एक्सप्रेस VPN, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे और यूज़ करके हम लोडिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले को आपके पास VPN होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी पेड है, तो मैं इसमें इसको यूज़ करूँगा। फ्री के प्रोडक्ट आप ना यूज़ करें, फ्री के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट उड़ सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको CTR की भी ट्रिक समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखें, टुडे सो फार अभी तक कोई अर्निंग नहीं हुई, लेकिन व्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है। अभी जब व्यूज़ आ गए हैं तो मैं जो है ना अर्निंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अभी देखें लास्ट 7 days, देखें मेरा पेज CTR क्या आ रहा है, 6.96। तो 6.9% पेज CTR अगर आपका है तो आपका अंडर कंट्रोल है। 10 से नीचे होना चाहिए पेज CTR, ठीक है। अगर आपका पेज CTR 50 से बढ़ जाता है तो समझ ले आपने जो है ना आपका अकाउंट उड़ जाएगा, जल्दी से उड़ जाएगा। फ़ौरन एक व्यू भी आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने इस वाले जो है ना ब्राउज़र को बंद करूँगा और नया ब्राउज़र खोलूँगा। मैंने उसमें आपको एक्सटेंशन वगैरह भी मैंने समझाई थी, एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसके लिए मैंने जो है ना सेल्फ क्लिक के लिए जो पिछली वीडियो में ये सारा का सारा तरीका भी समझाया था। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको आज, फिर मैंने एक और ब्राउज़र बनाया, उसमें जो है ना ब्राउज़र बना के क्रोम में करके दिखाऊँगा। ये है एक आपकी जो है ना एजेंट रैंडम यूज़र एजेंट की एक्सटेंशन, और ये है हिस्ट्री कैशे की, और उसके अलावा हिस्ट्री कैशे के बाद ये नो हिस्ट्री की, 3 प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। तीनों प्लगइन आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और जब ब्राउज़र आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने क्लियर कैशे को दबा देना है। दबाने के बाद आपने अपने जो है ना VPN स्टार्ट करना है, ठीक है। VPN स्टार्ट करने से आपने सबसे पहले तो आपकी जो वेबसाइट है उसको आपने ओपन कर लेना, या कोई भी आपका कीवर्ड जो है ना उसको आप ओपन करना। मैंने अपनी वेबसाइट का वो कीवर्ड मैं उस यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट का एक कीवर्ड है, मतलब इसको मैं उठाऊँगा, इसको जाके गूगल में सर्च करना जब VPN स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर VPN पे आएँ, और यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट की कोई लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेड VPN में IP 15 मिनट तक, ये याद रखें, IP 15 मिनट तक रहती है, ठीक है। अगर नहीं चेंज होती तो आपने करते रहना है काम, लेकिन मैक्सिमम आपने 5 क्लिक्स करनी है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी जो है ना यहाँ पे साल्ट लेक सिटी के नाम से इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के VPN को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कनेक्ट हो नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने VPN जो है ना इसमें यहाँ पे देखें, ये VPN कनेक्ट हो चुका है। अब हुअर पे जाके पहले तो हमने नेट चेक करना है, टाइम, डेट और टाइम, ठीक है। हुअर पे जाएं, टाइम चेक करें। ये हुअर की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं STRGC। इसको मैं कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ।
है। अभी यहाँ पे हुवर पे आपने अगर टाइम देख लिया, इसको 100% किए बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। इसको देखिए 1.191 और 80, मतलब 0.80 वाली जो आपकी आईपी है, अगर ये आप एक क्लिक करने के बाद चेंज हो जाती है तो आपने ब्राउज़र बंद कर देना है, ठीक है। अभी 90% है तो इसको सेट टाइम करेंगे, -6 MDT है, तो आप यहाँ पे आएँ टाइम के ऊपर, एडजस्ट टाइम एंड डेट पे आ जाएँ, ठीक है। उसके बाद -6 वाले टाइम जोन पे चले जाएँ, -6। अब यहाँ पे है, मैं कर देता हूँ टाइम यूएसए और कनाडा वाला टाइम सेट कर देता हूँ -6 का। यहाँ पे आ रहा है, अभी तक आ रहा है -6 और यहाँ पे -5। सॉरी, 1 मिनट दोबारा से। अभी ये जितने भी आपने ऑप्शंस है ना, आपने इनको चेकआउट कर लेना है। अगर आप इन चेकआउट करने से आपका जो है ना 100% आ जाता है, ये देखिए 100% आ गया, ये ग्रीन हो गया, 100% हो गया। 100% होने के बाद दोबारा से आपने जो है वो लाइंस कॉपी करनी है जो आप वेबसाइट के लिए सर्च करेंगे। ये मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट और एंड सर्च फार करूँगा, ठीक है। आपने अभी जो है ना सर्च करने के बाद वेबसाइट आपके पास अपीयर हो जाएगी, मेरे पास मेरी वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर टॉप पे आती है। तो आपने अगर देखे CTR का चक्कर होता है, अगर एक पेज व्यूज देकर एक टैब खोलेंगे तो आपका CTR जो है ना वो आपका 100% होगा। अगर दो पेज व्यूज देकर आप जो है ना क्लिक करेंगे तो आपका पेज CTR आपका 80% होगा। अगर आप 10 पेज व्यूज देने के बाद जो है ना क्लिक करेंगे तो आपका पेज CTR 10% होगा। तो पेज व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है पेज CTR, ठीक है। पेज CTR हमेशा पेज व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक टैब खोलिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मैंने 10 बारी बारी सारे पेज लोड हो जाएंगे सारे, तो बारी बारी मैंने इसको जाकर देखना है, ठीक है। और देखने पर क्लोज करते जाना, क्लोज करते जाना, क्लोज करते जाना। जब आखिरी वाला जो पेज व्यू होगा उस पेज व्यू के ऊपर मैं जाके क्लिक करूँगा सिंपली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट को लोड कर लिया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट अभी तक नहीं है। मतलब इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आईपी में ऐड नहीं होता, या उस कंट्री में जो है ना वो कोई कैंपेन नहीं चल रही होती, बहुत मुश्किल से ऐड आते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, मोर पोस्ट, या मतलब आपके वेबसाइट में बहुत सारा नेविगेशन होगा सेट, ठीक है। अब देखें, मैंने नेविगेशन सेट किया, नेविगेशन को छेड़ा तो ऐड आ गया। आपने ऐड इसको दिखा मैं देख लिया, अब इसको आप क्लोज कर दें, ठीक है। मैं अभी दोबारा से दूसरे पेज पे गया तो सेम वही चक्कर आ रहा था कि हमारे पास वो ऐड नहीं अपीयर हो रहा। तो आपने क्या करना है, कहीं ना कहीं आपने वेबसाइट को देख लेना या रीलोड कर लेना ताकि ऐड आ जाए। जब ऐड आ जाए उसके बाद देखने के बाद आपने उसको क्लोज करना है, ठीक है। यही सीन मैं पूरी की पूरी 10 जो है ना 9 जो पेज हैं 9 टैब्स के लिए करूँगा और उसको क्लोज करता जाऊँगा, ठीक है। अब ये इसको मैं दोबारा से, ये हमारे 3 टैब्स हो गए, ये हमारा चौथा टैब है, ये MSS सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह जो भी, इसको नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, इसको क्लोज कर दें। आने दो आने दो आने दो। उसके बाद मोर पोस्ट अगेन, नेविगेशन आपकी वेबसाइट ऐसी ज़बरदस्त बनी हुई चाहिए कि जल्दी से लोड हो जाए और जल्दी होस्टिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐड जल्दी आ जाते हैं मोस्टली। आप जो है, मैं रिकमेंडेड है कि आप अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप उसको ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कर लें, डोमेन को उसको छोड़ दें, क्योंकि वर्डप्रेस और प्रीमियम होस्टिंग वाले उसमें जो है ना मसले आते हैं। आप ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कर लें, ये गूगल वालों की है, खुद होस्टिंग वगैरह सारा ये लोग मैनेज करते हैं। और इससे क्या होता है कि ये जल्दी एड्स लोड होते हैं, ये उनका अपना प्लेटफॉर्म है ना। तो मैंने भी अपनी वेबसाइट को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट किया हुआ। अब देखें, मैंने एक इसको भी देख लिया, अब मोर पोस्ट, ठीक है। आपने जस्ट ये करते जाना है, करने के बाद आखिर वाली जो है ना वो मैं आपके साथ सामने करूँगा, क्लिक करूँगा, क्लिक करके आपको दिखाऊँगा कि आपने किस तरह से उसको, अगर पेज पे क्लिक कर लिया है तो आप फ़ौरन से उसको बंद नहीं करना, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर होता है उस तरह से आपने जो है ना
ह्यूमन के तरह करना। अब हमने नो कर ली है, ठीक है। आखिरी पेज व्यू इसके ऊपर अपने क्लिक करना है, ठीक है। मोर पोस्ट, अभी हम हमारे पास जो आखिरी फाइनल एड आ चुका है इसके ऊपर हमने जो है ना क्लिक करनी है, हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ़ौरन से आपने बंद नहीं करना है ऐड, ऐड को आपने देखना है, गूगल को लगे कि ये बंदा है, कोई ना कोई मतलब ह्यूमन है, ह्यूमन के साथ जो है ना ह्यूमन की किसी स्क्रीन के ऊपर ऐड आया है, ठीक है। वो ऐसे कर रहा है कि मतलब ऐसे बिहेव करना है कि आपने ऐड लगे, आपने कहीं ना कहीं क्लिक करना है, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है। मैक्सिमम आप 5 से 10 मिनट का टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 2 मिनट जो है ना इधर स्पेंड करेंगे, ठीक है। स्पेंड करने के बाद जो है ना आपने इसको क्या करना है, क्लोज़ कर देना है, ठीक है। अभी दोबारा से जा हुवर पे जाके देखना है आईपी जो है ना, इसको रिफ़्रेश करें, अगर आईपी सेम रहती है तो आप दोबारा से इसमें से 10 स्टेप खोलें और दोबारा से जो है ना क्लिक करें। आपने एक आईपी से 5 क्लिक्स करनी है मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। तो ये था मतलब एडसेंस लोडिंग का जो आजकल ट्रिक चल रही है वो मेथड, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको फॉलो करेंगे और फॉलो करने के साथ साथ जो है इसको अप्लाई भी करेंगे। अगर एडसेंस के लिए VPN वगैरह के लिए आपको ज़रूरत है या प्रॉक्सी की ज़रूरत है आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। अगर कोई बात समझ में ना तो कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं, इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।